हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फार्म ज्ञान आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल यह हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 चैप्टर का टॉपिक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमारा फार्मास्यूटिकल जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को एग्ज़ाम में एट मार्क्स के लिए पूछा जाता है इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट स्टेट गवर्नमेंट मेक स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स फार्मेसी एक्ट के अनुसार इस्टेट गवर्नमेंट इस्टेट फार्मे काउंसिल को बनाती है इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर फाइव ईयर मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल को प्रत्येक फाइव ईयर के बाद दोबारा गठित किया जाता है अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल में तीन टाइप के मेम्बर्स होते हैं नंबर एक इलेक्टेड मेंबर नंबर सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर एंड नंबर थर्ड एक्स ऑफी मेंबर अब देखते हैं इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर में सेवन मेंबर्स होते हैं जिसमें से सिक्स पर्सन जो कि स्टेट के रजिस्टर फार्मासिस्ट द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इसमें हमारा एक मेंबर होता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा इलेक्ट किया जाता है अब इसके बाद सेकंड आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में फाइव पर्सन होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं अब इसके बाद थर्ड आता है एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में थ्री परसेंस होते हैं जिसमें से एक होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट सेकेंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड गवर्नमेंट एनालिस्ट ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अब है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल के मेंबर्स द्वारा फाइव ईयर के लिए चुना जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को फाइव ईयर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते लेकिन वह री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं और वह दोबारा री एलेक्ट या नॉमिनेट किए जाते हैं तो वह फिर से फाइव ईयर के लिए अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं अब आता है फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं जैसे कि नंबर वन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर प्रत्येक स्टेट की स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट के रजिस्टर को मेंटेन प्रिपेयर एंड मेंटेन करती है इसके बाद सेकंड है एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट के नाम को एंटर और रिमूव करने का भी कार्य करती है अब थर्ड है प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा फार्मासिस्ट के रजिस्टर को एवरी ईयर के फर्स्ट अप्रैल को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है ये थे हमारे फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे आप नीचे कमेंट करें